अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे? सबसे पहले मैंने सिंपल टर्म वो देखनी है जिसका क्यूब मौजूद हो। जैसे क्या इसका क्यूब मौजूद नहीं, और इसका भी क्यूब मौजूद है, माइनस इधर भी माइनस है। अब इसका देखें, एक्स 3x का क्या क्यूब मौजूद है? ए सिर्फ वेरिएबल को आप देख लें, ये एक्स है, एक्स का क्यूब मौजूद है, वाई वाई का क्यूब मौजूद है, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अगर एक सिंपल टर्म हो उसका क्या हो, क्यूब मौजूद हो, तो सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल का आप क्या लेते हैं, क्यूब, ठीक है। सिंपल का आप क्या लेते हैं, क्यूब, यानी इसका मतलब मैं एक्स माइनस फोर का क्या लेता हूँ, सॉरी एक्स माइनस वाई का क्या लेता हूँ, क्यूब। तो उधर फोर का भी क्या लूँगा, क्यूब, सही है। मैंने सिंपल का इसलिए लिया है क्योंकि सिंपल का क्यूब इधर मौजूद है। इधर इसका आप लें 3x प्लस 4y का लें क्यूब, अगर लेफ्ट साइड पे क्यूब लेते हैं तो राइट पे भी क्या होगा, लेना होगा क्यूब। अब क्यूब कैसे ओपन करते हैं? क्यूब ओपन करने का ये तरीका है, फर्स्ट टर्म का आप क्यूब लेते हैं, फिर सेकंड टर्म का आप क्यूब लेते हैं, माइनस हो तो माइनस 3 फार्मूले का लिखते हैं, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगला अगला जो पोर्शन है क्यूब के बगैर लिखते हैं एक्स माइनस वाई, तो 4 का क्यूब 64। माइनस का जिस तरह ओपन किया उसी तरह प्लस का ओपन करते हैं, क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे इसका कैसे क्यूब, फर्स्ट का क्यूब, जैसे मैंने फर्स्ट का लिया था एक्स का, सेकंड का क्यूब, सेकंड है 4y, इसका क्यूब लें, इधर मैंने y का लिया था, लेकिन इधर माइनस था माइनस, लेकिन इधर प्लस है तो मैंने क्या लिखा, प्लस। इधर माइनस 3 फार्मूले का, इधर प्लस है तो क्या आएगा, प्लस 3 फार्मूले का। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4y, दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपस में एक्स वाई को क्या किया था, मल्टीप्लाई, लेकिन अगला पोर्शन बगैर क्यूब के लिखा था, इसका क्यूब के बगैर लिखें 3x प्लस 4y, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो आगे भी है, इज इक्वल टू 11 का जो क्यूब है वो क्या बनता है, 1331, ठीक है, ये बनता है। ये मैंने अभी तक क्या किए हैं, क्यूब ओपन किए हैं, आपको तरीका कर बताया कैसे क्यूब ओपन करते हैं। तो अब हमें आंसर क्या चाहिए, ये आंसर चाहिए एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, वो ये हिस्सा है। जिस चीज़ की आपको वैल्यू चाहिए वो सिर्फ वो लेफ़्ट साइड पर रहनी चाहिए, बाकी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे ख़त्म होंगे, अब ये देखिए एक्स वाई कैसे ख़त्म होगा, इसकी उसने वैल्यू दी है 21, एक्स माइनस वाई कैसे ख़त्म होगा, उसकी वैल्यू ऊपर मौजूद है 4, उधर क्या है 64, तो ये हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करें 21 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो ये आपके पास बनता है, ये बनेगा 252, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें बनेगा 252, तो इधर आएगा 64। हमें तो ये आंसर चाहिए, इतना हिस्सा, ठीक है। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके होगा प्लस होगा, प्लस 252, तो इन्हें सॉल्व करेंगे बनेगा 316, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये आपका क्या आंसर है। इधर आप देखें 3 का क्यूब 27, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 4 का क्यूब 64, वाई का क्यूब वाई क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टाइम क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, ये 3 टाइम 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना है 36, साथ क्या आया एक्स और वाई, ठीक है। ये नंबरिंग को मैंने मल्टीप्लाई, 3 टाइम 9 4 टाइम 36, साथ है एक्स वाई लिखा है, आगे ब्रैकेट में क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1331। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए 27 का क्यूब, ये तो मैं इसे उसी तरह लिखता हूँ, ये हमें चाहिए, इसका मैंने आंसर निकालना,
36, क्या इसकी वैल्यू पर मौजूद नहीं, 12 वैल्यू वुड की, क्या इसकी वैल्यू पर मौजूद नहीं, 11, उधर क्या है 1331, ये हमें चाहिए इतना हिस्सा, मैं उसी तरह लिखता हूँ 27 एक्स का क्यूब 64 वाई का क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 36 12 और 11 को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4752, इधर है 1331, हमें ये चाहिए 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब, ये क्या हो रहा है फिर, ये तो नहीं ना हमें चाहिए, ये प्लस हो रहा है, उधर जा क्या होगा माइनस होगा, माइनस 4752, तो इसका क्या आंसर आएगा, ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 3421, तो ये आपका क्या आंसर है, 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब।